अस्सलाम वालेकुम। सलाम, मैं अमरीन कयूम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं महंगाई के बारे में बात करना चाहती हूँ कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुजारा मुश्किल हो रहा है। हम बच्चों के स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं, और अब तो अगर आप देखें तो डॉलर की जो प्राइस है वो भी कम हो गई है और जो रुपये की वैल्यू है वो भी मुस्तहकम हो गई है। और दूसरी बात यह कि अब तो रमजानुल मुबारक भी आ रहा है, लेकिन जो है बेसिक कमोडिटीज की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। जी अमरीन, बिल्कुल आपने वो बात की जो कि आप यकीन करें कि अब तक हमारी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ है। और महंगाई के अंदर आपने थोड़ा सा समझना है, क्योंकि महंगाई तो कई चीज़ों की है ना। कई चीज़ों की महंगाई ऐसी है जो कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ठीक कर सकते हैं। मसलन एक यानी अगर एक दुकान में एक कीमत आ रही है और दूसरी दुकान और कोई कीमत दे रही है और चीज़ तो वही है, तो यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ले सकते हैं और हम पूरा इसके ऊपर भी जोर लगा रहे हैं। एक महंगाई ये, और ये भी आपने समझना है, वो महंगाई ये है कि एक किसान सब्जियाँ या जो भी अपनी पैदावार है वो एक कीमत के ऊपर वो लेके जाता है मार्केट के अंदर, लेकिन उस मार्केट से जब वो चीज़ जाती है शहर में यानी रिटेल में, यानी जब आपके पास पहुंचती है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। वो किसान बेचारे को पूरे पैसे नहीं मिलते। मैंने किसानों को मिला जाके, तो किसानों ने कहा जी हमारा तो मुश्किल से खर्चा पूरा हो रहा है जो हम अपनी पैदावार या जो सब्जियां बता रहे थे, लेकिन वही सब्जी जब वो जा रही है शहर के अंदर तो वहां वो दुगनी से भी ज़्यादा कीमत पर बिक रही है। तो जो बीच में मिडल मैन है वो बहुत बड़े पैसे बना रहा है। इसका अब हम एक तोड़ लेके आए हैं और इंशाल्लाह ये शुरू भी हो गया। हमने आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली वो जो जो मंडी से एक इस तरह चीज़ करेंगे, डायरेक्टली वो चीज़ें जाएंगी लोगों के पास और वो किसान को भी ज़्यादा पैसा मिल जाएगा और जो लोग हैं जो शहर के अंदर लोग उनके लिए भी कीमतें कम हो जाएंगी। ये एक पूरी नई चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक नया सोच लेके आ रहे हैं और ये शुरू हो गया। लाहौर में हमने अब कई जगह शुरू किए हैं, या अब इस्लामाबाद में शुरू करने लगे हैं, ये शहरों के अंदर अब हम करने लगे हैं। इससे भी फ़र्क पड़ेगा। एक तीसरा तरीका है, तीसरी वजह है, वो है जो मैं शुरू में आपको कहता हूँ कि जब रुपया मसलन हमारा रुपया अब आप हमारे आने के बाद 107 रुपया था हमारे आने से पहले, रुपया 124 था, लेकिन उससे 6-7 महीने पहले 107 का था, यानी 2018 की शुरू में तकरीबन 107 रुपए का डॉलर था और वो 2018 के बाद वो बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 160 रुपए पे। और अब अल्लाह का करम है कि हमारी इकॉनमी स्टेबल हो रही है तो रुपया भी मजबूत होता जा रहा है। इसका इसका आपको इफेक्ट आएगा, मसलन इमीजिएटली इफेक्ट तो आ गया ना कि डीजल की कीमत गिर गई, आपको पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई, तो ये तो आपको फैक्ट नज़र आ गया जब रुपया मजबूत हुआ। लेकिन इसकी जो जो जब 107 से 150 रुपए पे भी गया, तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? बिजली के ऊपर पड़ा। आधी बिजली बनती है तेल से, तेल होता है इम्पोर्ट। फिर जो बिजली के सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं वो हैं सारे डॉलर्स के अंदर, हमारे से पहले के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, तो वो क्योंकि डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एकदम उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ गया। जैसे ही डॉलर मजबूत हुआ रुपया गिरा, उधर भी कीमत बढ़ गई। फिर जब डीजल महंगा हुआ, सारी ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, सारी चीज़ों के ऊपर उसका कॉस्ट चला गया। फिर जो बाहर से हम चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से चीज़ें सबसे बड़ा तो जो आम लोगों को आपको अफेक्ट करता है घी। अब तकरीबन 70% एडिबल ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, 70 तो 70% जो घी के अंदर जो तेल जाता है वो इम्पोर्ट करते हैं। फिर दालें, सबसे अफसोसनाक चीज़ यह है कि हमने अभी तक एक वो ज़रई मुल्क, हम 70% दालें अपनी इम्पोर्ट करते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें महंगी हो गई। और
एक और मसला आया कि हमें गंदम जो कि पाकिस्तान में हमेशा होती थी, वो हमारी आबादी क्योंकि बढ़ती गई है, जो गंदम पाकिस्तान में थी उसके अंदर खसारा आ गया। एक तो बारिशें गलत टाइम पे हो गई, तो हमें एक साल के अंदर 40 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। और उसके अलावा गंदम गंदम इंपोर्ट और उसका सारा इम्पैक्ट पड़ा, यानी जैसे आप गंदम इंपोर्ट करते हैं तो वो महंगी बाहर से महंगी आई यहाँ से, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। तो जो इम्पोर्ट्स महंगी हुई रुपए गिरने से, एक वो हो गई। फिर एक बदकिस्मती से एक और अब चीज़ हमने आहिस्ता आहिस्ता इंक्वायरीज में पता चला, वो क्या है, यहाँ बैठे हुए हैं माफियाज। ये अमरीन आपने समझने की बात है, यहाँ पाकिस्तान में वो लोग बैठे हुए, कायदे आजम ने भी इनकी बात की थी, जो जखीरा अंदोजी करके कीमतें ऊपर बढ़ाते हैं। ये माफियाज बैठे हुए थोड़े से लोग हैं, ये सट्टा खेलते हैं। अमूमन तो चीज़ तब महंगी होती है जब उसकी सप्लाई कम हो जाए, मसलन अगर अगर कमी हो जाए किसी चीज़ की, अगर चीनी की कमी हो गई तो ज़्यादा लोग चीनी मांगेंगे, उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी। लेकिन यहाँ चीनी पड़ी होती है, जखीरे पड़े होते हैं चीनी के, लेकिन कीमत ऊपर जानी शुरू हो जाती है। एक वक्त पे चीनी उन्होंने कहा जी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, चीनी एक्सपोर्ट करनी शुरू की, वो चीनी की कीमत ऊपर चली गई। सो इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये जानबूझ के माफियाज बैठे हैं जिनके पीछे पहली दफ़ा पाकिस्तान में हम अब जा रहे हैं। मैं यहाँ शहजाद अकबर को बताया बुलाया हुआ है, ये आपको असल में क्योंकि पूरी इंक्वायरी की गई इसके ऊपर, FIA ने पूरी इसके ऊपर इंक्वायरी करके तो रिपोर्ट लेके आए कि किस तरह आर्टिफिशली चीनी की कीमत ऊपर की जाती है, लोगों का बेचारों का खून चूसा जाता है, थोड़े से लोग हैं जो कि कैसे अरबों 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 रुपया बनाते हैं इससे। और ये आटे के ऊपर भी हमें, जब इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट है कि कैसे वहाँ भी जखीरांदोजी करके तो आटे की कीमत ऊपर ले जाई जाती है। तो ये सर मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन ये आप यकीन कर लें अमरीन, घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। या तो हमें गवर्नमेंट को फिक्र ना हो इसकी, इसके ऊपर सारा वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कंट्रोल करें। इसके ऊपर जो सबसे बड़ी चीज़ हम अब करने जा रहे हैं, इस साल एक पूरी नई एग्रीकल्चर की एक रेवोल्यूशनरी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जिसे हमने अपना सारा जो एग्रीकल्चर का सेक्टर चेंज कर देना है। उसमें से पहले हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहले से पता चल जाएगा कि कौन से सीजन में किस चीज़ की कमी होती है, ताकि किसी किस्म की शॉर्टेज आगे से ना हो, ताकि शॉर्टेज की वजह से कीमतें ऊपर ना चली जाएं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर पिछले एक साल से ये मुख्तलिफ चीज़ें